यार सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने इस टॉपिक के वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और अजमत हुसैन को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और आप सभी के दुआओं के बाद अजमत हुसैन जो है फिर से परफॉर्म कर गए और वो परफॉर्मेंस जो था काफ़ी हट के था बॉस। दोस्तों आप देख रहे हैं एड इन फॉर टीवी, मैं हूं मिस्टर ज़ीरो। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अजमत हुसैन के लेटेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में जो कि उन्होंने इंडियन आइडल 11 में दिया है। यार अजमत हुसैन की तारीफ जितनी की जाए ना उतनी कम है और यही एक वजह है जिसके वजह से मैं एक के बाद एक वीडियो बनाए जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों उनकी जो मैजिक जो है ना कभी ना ख़त्म होने वाली मैजिक है और वो जब भी परफॉर्म करते हैं एक नया मैजिक आ जाता है। मेरे सर पे तो एक नया मैजिक सवार हो ही जाता है। अजमत हुसैन के वैसे मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उनका यूट्यूब चैनल जो है 59 से लेकर के 12,000 तक पहुँच गया है। अब यार थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था कि उनके चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। वो हारे या जीते यार कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो हमेशा से एक स्टार थे, स्टार है और हमेशा से रहेंगे। उनकी जो परफॉर्मेंस थी इस बार इंडियन आइडल में जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी दमदार थी क्योंकि वहाँ पे कुमार सानू की आवाज़ को दर्शाना था। हमेशा से हम लोगों ने यही सोचा है कि अजमत हुसैन की जो आवाज़ है वो आवाज़ किसी पर्टिकुलर गाने या फिर कोई पर्टिकुलर फॉर्म पे ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने इस बार ये परफॉर्मेंस दे करके साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह के गाने को गा सकते हैं। जैसे कि इस बार उन्होंने जो गाना गाया वो गाना था फिल्म सड़क से, जिसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट एज अ लीड रोल में थे और वहाँ पे जो एक रोमांटिक ऑरा आया था वो ऑरा सबको याद होगा। जितने भी लोग मेरे एज के देख रहे होंगे तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर मेरे एज के लोग भी वो गाने आज भी सुनते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ जो थोड़े से ओल्ड है, मतलब 90s के गाने को जो उस टाइम पे एज अ यंगर पर्सन जिन्होंने इन्जॉय किया है वो ऑरा को फील कर सकते हैं इस वक्त जब उन्होंने ये गाना गाया था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है। और आखिरी जो नोट थे उनके जो गाना गाने के स्टाइल में जो आखिरी नोट आया वो जो एक लंबी सुर लगाते हैं वो यार काफ़ी अमेजिंग था। यकीन मानो जब मैं वो गाना सुन रहा था तो यार सुनते सुनते मैं भी लिटरली गाने लग गया था। और हाँ, उनकी आवाज़ में वो मैजिक वापस आ चुकी है एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने इतना प्रे किया कि अजमत भाई जो है वापस गाना शुरू कर चुके और गा पाए हैं वो। तो मेरा एक ही कहना है यार कि उनके मेरा एक ही कहना है कि वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे कहते हैं कि उससे भी बड़े बड़े टैलेंटेड सिंगर उसमें हैं। ऑफकोर्स है यार, ऑफकोर्स है, लेकिन कहते हैं ना शाहरुख खान होता, भले से जितना बड़े भी सलमान खान आ जाए, जितना बड़े भी और नया स्टार आ जाए, वो अपना स्टारडम बना ले, अपना वो क्रेज़ ले आए, लेकिन शाहरुख खान एक ही है, एक ही था और हमेशा एक ही रहेगा। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। हाँ, इसके अलावा है यार रोहित राउत है, फिर एक नई लड़की है जो बहुत अच्छा गा रही है, जो अपने स्टाइल में अपने फॉर्म में वो गाती है, बहुत अच्छा है। आई एम टोटली एग्री विद दम कि हाँ उनका जो कहना वो सही है, लेकिन अजमत भाई का मैजिक ऑलवेज ऑलवेज सर चढ़ के बोल रहा होता है। पहले उनका जो बचपन का गाना था वो, अभी जो जीना 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 रे वो जो गाना था बहुत अमेजिंग था और उनके आवाज़ में सुनना मतलब इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर योर ईयर्स। हाँ, आपके कान में जो है एक कहते हैं ना मधु घुल जाना, शहद की एक चाशनी बनना, इट्स जस्ट लाइक दैट। आप एग्री करते हो प्लीज़ लिखो, अगर आप हेट करते हो आई डोंट केयर, मैं बहुत बेशर्म हूँ, मैं जिसका फ़ैन होता हूँ सो होता हूँ, मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, मैं बेशर्मी के साथ उनकी सारी चीज़ें बोलूँगा चाहे जितने भी हेटर्स आ जाए। ठीक वैसे ही अजमत हुसैन जैसा भी हो वो जो गाना गा रहा है इट्स फैंटास्टिक फॉर मी और मैं तो इंडियन आइडल इसीलिए देखता हूँ। हाँ, उसके अलावा भी है सनी, है सनी हिंदुस्तानी, बहुत अच्छा गाते, अपना कहते हैं ना नुसरत जी का मतलब एक अलग ही वर्जन है, तो उनको भी देखने का मज़ा अलग है, लेकिन अजमत हुसैन को सुनने का मज़ा कुछ और ही है। बाय द वे, यहाँ से जो वीडियो का एक पोर्शन चालू होने वाला है आई एम वेरी सॉरी अगर बुरा लगे तो, लेकिन कहते हैं ना आर्टिस्ट कभी छुपता नहीं है और उसकी बातें आर्टिस्ट लवर हमेशा कर जाते हैं। मैं अब करने वाला हूँ, अजमत हुसैन के बारे में सिर्फ सोचता ही रहता हूँ मैं, जब भी वो स्टोरी सोचता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। दूसरी चीज़ कि उनका जो पास्ट जो था, मीन्स लिटिल चैम्प्स में, हाँ सारे गाँव पा लिटिल चैम्प्स में जो उनका एक अवतार था, मैं याद कर रहा था कि कहीं तो यार मैंने ये अवतार इससे पहले भी देखा है। तो जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे होते हैं मेरे वीडियो को, उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को याद है साबिर? हाँ, आई थिंक वही नाम है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं किसी को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सिमिलैरिटीज़ दिखा रहा हूँ, मतलब एक दूसरे से
मिलता जुलता। साबिर याद होगा जिसमें वो एक कवाली था, भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा, वो दूसरा के जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मीन्स बहुत अमेजिंग था। और वो जो टाइम था, वो जो ऑरा था, इट्स अराउंड 2005 टू 7 के बीच का रहा होगा, मैं काफ़ी छोटा था, मुझे एयर्स याद नहीं है कौन सा साल था वो। उनका जो कवाली था इसी लेवल पे ट्रेंड कर रहा था हर वक्त, मतलब हर जगह पे वही सुनाई देता था। मैं दोस्तों से सीडीज़ मांग कर लाता था कि प्लीज़ यार वो देना एक बार मुझे सुनना है। तो वो एकदम अलग था। और उनका जो एक उम्र था ना, कुछ 7-8 साल का उम्र था, उस उम्र में उनकी आवाज़ में एक मैच्योरिटी थी, उनकी आवाज़ के साथ उनकी सोच भी झलकती थी कि वो छोटे से बच्चे की सोच क्या है, क्योंकि उन्होंने पूरा एक एल्बम गाया था। वो एल्बम हर कोई सुन रहा था, हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग। क्यों? क्योंकि उसमें जो बातें बताई गई थी वो पूरी पूरी इंसानियत को सिखाने वाली चीज़ थी। जैसे मैंने बताया, भलाई कर भला होगा, ज़िंदगी एक किराए का घर है, तीसरा था अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, ये जितने भी उन्होंने कव्वाली गाए हैं, इट वॉज आउटस्टैंडिंग मेमोरी। वो जो है पूरा दिल में जाके बस गया था। आज भी जब भी याद आता है, यूट्यूब में सर्च मारता हूँ, सुनता हूँ। अजमत हुसैन वही क्रेज़ है जो कभी नहीं उतर सकता। जैसे साबिर जो है, मुझे नहीं पता उनका प्रॉपर पूरा नाम नहीं पता है, और हाँ बोलोगे यार रिसर्च मार के तो कम से कम देख रहा होता। आज तक उनके गानों में से ध्यान कहीं और गया ही नहीं कि मैं उनका टाइटल तक पढ़ूँ। ट्रस्ट मी यार, टाइटल बस ऑन होता सुनता हूँ, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैडनेस। जब भी लो फील करता हूँ, जब भी दुनिया की चीज़ों में फंस जाता हूँ, जब भी सोचता हूँ कि क्या दुनिया में दौलत कमाना इतना ज़रूरी है, क्या दुनिया में सिर्फ अपने बारे में सोचना इतना ज़रूरी है, क्या दुनिया में कुछ क्या काम करना चाहिए हमें कुछ, तो उस वक्त मैं सुनता हूँ, मोटिवेट होता हूँ, अपनी औकात के हिसाब से जितना हो पाता उतना करता हूँ उसके बाद, और फिर अपने लाइफ में जुड़ जाते हैं जैसे सभी जुड़ रहे हैं। एक मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के बाद में जो होता है वही होता है मेरे साथ में भी। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, मैं कुछ बड़ा इंसान नहीं हूँ। तो वो वही चीज़ है, अजमत हुसैन वही चीज़ है। जब जब आप पे भूत सवार होगा, यू विल सर्च अजमत हुसैन मैं हवा हूँ, आएगा, आप सुनोगे 15 मिनट तक उसकी अच्छाई, उसके परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस के बाद में कमेंट्स, वो सारी चीज़ सुनोगे एंड फिर आप फील करोगे मैंने कुछ तो सुना है बॉस। सो इट वॉज जस्ट लाइक हिम। आज अजमत हुसैन जो है उन्होंने दिल में एक अलग जगह बना रखी है। एग्री करते हो लिखो। बाय द वे, वीडियो बनाने के पीछे में आप लोगों का बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे पीछे। आप लोग हर बार कहते हो चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंडियन आइडल में रहे या ना रहे, आप अजमत हुसैन के बारे में इन्फॉर्म करते रहना, वीडियो बनाते रहना। सो इट्स ऑल अबाउट यू गाइस। आप लोगों ने बोला था, आप ही के बारे में है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, एंड बिकॉज ऑफ फैन, मैं एक फ़ैन भी हूँ। सो दैट्स इट। फिर जो परफॉर्मेंस आएगी वो मैं बताऊँगा। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, उनके परफॉर्मेंस भी दिखाया करूँगा। यहाँ तक वीडियो देखा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो बॉस। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। ओके, सो बी विथ मी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायनारा एंड अस्ता ला विस्ता, एंड फ्रॉम अजमत हुसैन, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, थैंक यू।